हे गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे उन एप्लीकेशंस के बारे में जो आपके मोबाइल में नहीं होने चाहिए और अगर आपके मोबाइल में है तो उसे आपको डिलीट कर देना चाहिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था उन एप्लीकेशंस के बारे में जो आपके मोबाइल में होने चाहिए, बट इस वीडियो में हम जान पाएंगे उन एप्लीकेशंस के बारे में जो आपके मोबाइल में नहीं होनी चाहिए। ये एप्लीकेशन या तो आपके मोबाइल को स्लो करेंगी या फिर आपकी इन्फॉर्मेशन लीक कर सकती है। तो दोस्तों, पूरा जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल YIV को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके मोटिवेट करें। दोस्तों, एप्लीकेशंस आपके मोबाइल में बहुत सारी होती हैं और कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो आप यूज़ भी करते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता है कि उस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है। कैसे यूज़ करने का मींस है कि हमें उन्हें क्या सारी परमिशन अलाउ करनी चाहिए, नहीं ना। तो इस वीडियो में हम जान पाएंगे उन एप्लीकेशंस के बारे में जो आपसे के ना चाहते हुए भी आपसे वो चीज़ें अलाउ करवा देती हैं और आपकी सारी परमिशन डेटा अपने पास स्टोर करती हैं, जो कि एक प्राइवेट चीज़ों में आता है, मतलब आपकी प्राइवेसी होती है। सबसे पहले एप्लीकेशन दोस्तों आती है फेसबुक और मैसेंजर। फेसबुक और मैसेंजर एक बहुत ही अच्छा चलने वाला ऐप है और ऑलमोस्ट ये इसके कम से कम 500 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऐप है और ये आज के टाइम पे सबके मोबाइल में पाया जाता है। लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये पता चला था कि अगर फेसबुक और मैसेंजर किसी के भी मोबाइल में होता है एक साथ तो वो मोबाइल लैग कर देता है। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फेसबुक का मैसेंजर अगर आपके मोबाइल में है और आकर आपका मोबाइल स्लो चल रहा है तो सबसे पहले आप इसको इंस्टॉल करिए। इसकी जगह फेसबुक लाइट डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एक 1.2 MB समथिंग का एक ऐप है और बिल्कुल अच्छा काम करता है, आपका सारा काम उससे हो जाएगा। तो आप जा करके उसको डाउनलोड करिए, ना ही कि आप फेसबुक का मैसेंजर मोबाइल में रखिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, फेसबुक और मैसेंजर होने का तो बहुत अच्छी एप्लीकेशंस है, बट इसका सबसे बड़ा फ्लॉज यही आता है कि ये हमारी मेमोरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है। एक्चुअली में जो हमारे मोबाइल में रैम होती है उसमें से ये कम से कम 50-60% यूज़ करके ही रहती है, क्योंकि जब हम इसका यूज़ करते तब तो ये रैम में हमारा यूज़ करती है। उसके बाद अगर हम इस एप्लीकेशन का यूज़ नहीं भी करते हैं तब भी हमारी रैम में हमारी स्टोरेज घिरती है। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर हमारे मोबाइल में 4 GB रैम है तो उसमें से कम 1 या 1.5 GB रैम सिर्फ फेसबुक और मैसेंजर को चाहिए ऑलमोस्ट रनिंग करने के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ये रैम कंज्यूम करती है और आपका मोबाइल इसमें क्यों स्लो पड़ता है। एप्लीकेशन जो है दोस्तों वो है ट्रूकॉलर। ट्रूकॉलर एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऐप है और ये ऑलमोस्ट आपको सभी के मोबाइल में देखने को मिलेगा। बट ये एप्लीकेशन करती क्या है दोस्तों, ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में जिस समय आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे या इनको आप अपने मोबाइल में सेटअप करोगे तो उस समय ये आपसे उन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेती है जो कि इसको नहीं लेनी चाहिए। आपको पता है आपका ये ट्रूकॉलर आपके मोबाइल में आपका जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो उसको भी अपने इसमें लॉग सेव कर लेता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जब भी आपका कोई भी आपको कॉल करेगा या फिर अगर आपने उसे कॉल किया तो आपका नंबर ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। तो किस बात की प्राइवेसी रही आपकी? अगर आप चाहते हैं कि आपकी चीज़ें प्राइवेट ना रहें और दूसरों को भी दिखे, पब्लिक हो जाए, तो आप बेझिझक से इस ऐप का इस्तेमाल करिए, वरना भी इस एप्लीकेशन को तुरंत इंस्टॉल कर सकते हैं और अपना अकाउंट को वहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। दोस्तों, ऊपर की दो एप्लीकेशन अगर आपके मोबाइल में है तब भी आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी जितना आपको जो मैं एप्लीकेशन आप बताने वाला हूँ उससे दिक्कत होने वाली है। ये एप्लीकेशन है दोस्तों रैम क्लीनर। रैम क्लीनर आज के टाइम पे एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऐप बन चुका है, क्योंकि जितने भी मोबाइल हमारे 15,000 या 10,000 के प्राइस से कम आते हैं वो ऑलमोस्ट लैग करते ही हैं एक समय पर आने पर। तो लोग करते क्या हैं, इन क्लीनर ऐप का इस्तेमाल करते हैं और इन क्लीनर ऐप से इनको जो उसमें बटन आते हैं ना, उस रॉकेट वाला, उसको प्रेस करते हैं और बहुत ही उनको लगता है कि हमारा मोबाइल बहुत ही फास्ट हो जाएगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। बात करते हैं दोस्तों इस ऐप के बारे में कि ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में क्यों नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला रीज़न ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में क्यों नहीं होना चाहिए वो उसका रीज़न ये है कि ये रैम क्लीनर है, सबसे ज़्यादा रैम आपके तब यूज़ करता है जिस समय ये आपको रैम क्लीन नहीं कर रहा होता है। कहने का मतलब है दोस्तों, जब आप रैम नहीं क्लीन कर रहे हैं और आपने इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रखा है तो सबसे ज़्यादा रैम ये तभी कंज्यूम कर रहा है क्योंकि ये 24 घंटे चलते ही रहता है। समझ रहे हैं आप, ये काम सिर्फ आप एक बार करोगे, आप एक या दो बार तीन बार आप अपनी रैम क्लीन करोगे, बाकी 24 घंटे ये काम चलते ही रहेगा। मतलब कि 24 घंटे आपकी रैम को कंज्यूम करते ही रहेगा, आपकी बैटरी भी खाएगा और आपके मोबाइल स्लो भी करेगा। दोस्तों हमारे मोबाइल में कैश की मेमोरी होती है जो कि बहुत ज़्यादा, एक कह सकता हूँ मैं कि बहुत अच्छी मेमोरी है, मतलब वो चीज़ आपको रेस नहीं करनी चाहिए, फिर भी उसको भी बार बार रेस करते रहता है, जो कि ऐसा होना बहुत ज़्यादा गलत है। और तीसरा दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि रैम क्लीनर ऐप वो बहुत ही बकवास एप्लीकेशंस होती हैं, क्योंकि हमारा जो एंड्रॉयड बना है ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक्चुअली में इतना ऑप्टिमाइज होता है कि ये अपने आप जो भी ये ऐप हमारी नहीं हो रही है यूज़ वो बैकग्राउंड से अपना आप क्लीन कर लेता है। तो हमको ऐसी फर्जी एप्लीकेशन ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मोबाइल में भी ऐसी कोई एप्लीकेशन है रॉकेट वॉकेट टाइप की तो उसको भाई तुरंत से इंस्टॉल करो
और अपने मोबाइल को ऐसे ही चलाओ। इसके बाद दोस्तों जो एप्लीकेशन है ये बहुत ही ज़्यादा फैंसी एप्लीकेशन है, काफ़ी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल को फैंसी लुक देने के लिए, अपने मोबाइल को मॉडर्न लुक देने के लिए, अपने मोबाइल का लुक चेंज करने के लिए, और कुछ लोग अपने एंड्रॉयड को iOS बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों वो जो ऐप है, यह ऐप है एक हमारे लॉन्चर्स ऐप, बहुत टाइप के लॉन्चर्स आते हैं, नोवा लॉन्चर्स आते हैं और ऐसी गो लॉन्चर्स आते हैं, पोको लॉन्चर है, ऐसे हमारे बहुत से टाइप के लॉन्चर हैं। बट इनमें से कुछ लॉन्चर तो हमारे ठीक है, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि सब लॉन्चर अच्छे हैं। आपको बेसिकली लॉन्चर की ज़रूरत क्या है, एक फैंसी लुक देने के लिए। लॉन्चर भी आपकी बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है, एक्चुअली एक ओवरले करता है। दोस्तों आपको ये चीज़ समझनी होगी कि हमारा जो एंड्रॉयड है ये हमें कभी भी स्टॉक नहीं मिलता है, स्टॉक बेसिकली हमको ये गूगल के मोबाइल्स में ही मिलता है। और जो हमारे एंड्रॉयड के ये A1 सीरीज़ आती हैं, जैसे हमारी इसकी आई थी ना एंड्रॉयड की, हमारी MI की सीरीज़ आई थी A1 A2 A3, उसमें आपको बिल्कुल प्योर एंड्रॉयड देखने को मिला था। उसके अलावा आपको बेसिकली स्टॉक एंड्रॉयड, प्योर एंड्रॉयड किसी में देखने को नहीं मिलता है। तो जो हमारी कंपनियाँ होती हैं सैमसंग जैसी और बहुत सारी मोबाइल कंपनीज होती हैं, ये खुद की एक UI बनाती है और उसको उसके ऊपर रखा गया, उसमें थोड़ी कस्टमाइजेशन करके बनती है। तो आप समझ लेना कि हमारे मोबाइल में प्रोसेसर पर इतना लोड पड़ता है। उसके बाद हम कर देंगे कि ऊपर से हम एक लॉन्चर और डाल देते हैं, जिसकी वजह से होता है कि हमारा मोबाइल और भी ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो आपको करना क्या है, उन एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करना है। जैसे हमारी लॉन्चर जैसी ऐप है, ये आपकी कुछ टाइम तो बहुत अच्छी चलती है, लेकिन धीरे धीरे आपके मोबाइल में होता क्या है, सारा का सारा मोबाइल स्लो पड़ जाता है और आपको फिर परेशानी होना शुरू हो जाती है। तो अगर कोई आप भी लॉन्चर जैसी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोस्तों उसको एप्लीकेशन को इस्तेमाल मत कीजिए, अपना जो आपको बेसिक लॉन्चर मिल रहा है उसी में खुश रहिए। आखिरी एप्लीकेशन जो आपको मैं बताने वाला हूँ, ये एक्चुअली जो लोग इस्तेमाल करते हैं बैटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड में। उनको लगता है कि अगर उनके मोबाइल में बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है, फिर उनकी बैटरी ख़त्म बहुत जल्दी हो रही है, तो ये जो एप्लीकेशन है ये इनकी बैटरी को ख़त्म नहीं होने देगी, जो कि सरासर झूठ है। आप बहुत सारी ऐप देखते होंगे जैसे डॉक्टर बैटरी ऐसे सेवर ऐप। दोस्तों प्ले स्टोर में बतेरे एप्लीकेशन पड़े हैं और आप सर्च करेंगे बैटरी सेवर करके तो आपको लाखों ऐप मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही आपकी बैटरी को बचाती हैं और तो और आपकी बैटरी को और भी स्लो कर देते हैं। स्लो कहने का मतलब दोस्तों, अगर आप आपकी बैटरी और भी ज़्यादा जल्दी ड्रेन होगी तो ये आपके एक्चुअली में करता क्या है, ये आपके मोबाइल में ये भी आपकी रैम जैसे किल करते हैं ना, वही करते हैं, ये भी सिंपली आपके रैम किल करते हैं और आपको ये दावा करते हैं कि भाई आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा अच्छी चलेगी। बट आपको ऐसा करना नहीं है। तो अगर आपको बैटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है मोबाइल में, जो कि आएगी दोस्तों क्योंकि हम आज के टाइम में इतनी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आपको बैटरी सेवर ऑन करना है, ना ही कि आपको ये बैटरी टाइप की एप्लीकेशन का यूज़ करना है। बैटरी सेवर ऐप का दोस्तों आपको एक अल्टरनेटिव दे सकता हूँ, जो कि है हमारे पास ग्रीनीफाई। दोस्तों बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। बेसिकली ये आपके मोबाइल को क्या करती है, आपके ऐप्स को किल नहीं करती, आपके ऐप्स को हाइबरनेट कर देती है। हाइबरनेट करने का मतलब, कहने का मतलब दोस्तों कि परमानेंट किल नहीं करेगी, टेम्प्रेरी बेस पर किल करेगी। अगर आपको एप्लीकेशन दोबारा यूज़ करनी है तो आप रैम से दोबारा उसको यूज़ कर सकते हो, आपके मोबाइल को ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर का इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा, मतलब आपके मोबाइल की बैटरी बची रहेगी और आपके मोबाइल फास्ट भी चलेगा। इससे पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो और बना रखी है जिसमें मैंने आपको ये बताया है उन एप्लीकेशंस के बारे में जो आपके मोबाइल में होनी चाहिए, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। काफ़ी आपने उस वीडियो को प्यार दिया तो वैसे इस वीडियो में प्यार दीजिए। जब मैं लाइक टारगेट रख रहा हूँ दोस्तों 150 लाइक्स का, मुझे पता है जरूर से पूरा करेंगे। तो होप हम आपको फिर से मिलेंगे जल्दी एक अगली वीडियो के संग, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, शुक्रिया।